उसका जो अपनी अलमारी को रखने का तरीका है वो उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पूरा बताया। अगर उसकी अलमारी अपसेट है तो यानी कि वो व्यक्ति अपसेट होगा ही होगा, और उसकी अलमारी वेल ऑर्गेनाइज है तो वो पर्सन वेल ऑर्गेनाइज, इसीलिए उसकी कबर्ड आपकी फैमिली में नहीं होगी। स्पेशली वाइफ लोग बताते ना कबर्ड को क्लियर है, मेरा तो वाइफ बताती है ये कपड़े रखना है जो भी मेरा आपको एक और बहुत अच्छा टिप बताता हूँ आपको दिखा रहा हूँ जो मेरे आगे सर आ गया फुल आ गया 11 20 20 गए फुल आ गया पूरा चार आ गया सर इनको लेक्चर्स के लिए बुलाते थे सेल्फोन वाले को एक और लाइफ चेंजिंग टिप बताना होता है करने के बाद आपको लेकर मैं बहुत अच्छा आपको क्या करना है जैसे आपका डोर होता है ठीक है मेन डोर हम टॉकिंग अबाउट द मेन डोर ओनली ऑफ योर बिल्डिंग ऑफ योर हाउस और व्हाटएवर इट इज मेन डोर पे डोर है एक लाइट आपको बाहर लगानी है और एक लाइट अंदर से लगानी है ठीक है दो लाइट आपको लगानी है और फॉल लाइट लगाइए फॉल जो डाउन लाइट होती है डाउन लाइट एंड देट बड़ी कुछ नहीं नहीं मिनिमम 3 वॉट की लगा लीजिए बड़ी की कोई जरूरत और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने घर में लगाइए अपने घर में और उसको ना उसको वार्म लाइट लगानी है वार्म लाइट लगानी और वो आपको क्या करना है पूरी रात जलाइए शाम को 7-8 बजे अंधेरा हो जाता है उसके बाद से लेके नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक उसको जला दीजिए ये करिएगा आपको विद इन 21-30 डेज के अंदर आपको अपने आप पता लग जाएगा आपको कितना बेनिफिट होगा बट इट शुड बी डन ऑन रेगुलर बेसिस ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से काम करता है और बहुत अमेजिंग रिजल्ट देता है ठीक है बट लाइट की जो फॉल है वो आपके डोर पे आनी चाहिए ऐसे मतलब आनी ना ऐसे लगाइएगा जो डाउन लाइट ठीक है आप इसको देखेंगे और आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट ये छोटे छोटे टिप्स इस तरह के मैंने आज आपको बताए जो आप कर सकते हो आप लोग यू आर नॉट प्रोफेशनल यू आर नॉट इनटू द वास्तु तो क्या है कि अभी आप बहुत डिटेल्स में जाओगे तो आपको डिस्टर्ब होने के चांसेस है कई बार क्या होता है कि ठीक करने की बजाय गलत कर सकते हैं लेकिन द थिंग विच आई हैव टोल्ड यू दे आर प्रेटी इजी टू डू बट दे आर एक्चुअली रिजल्ट ओरिएंटेड ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे तो आप इनको करिए एंड यू गेट द बेनिफिट फ्रॉम देम बट देन यू टेल मी आप अपने आप डायरेक्शन आपको समझ आई गई है लाइफ चेंजिंग टिप देता है मैंने आपको इन सबसे पहले था नाउ इफ यू पीपल आर हैविंग सम क्वेश्चंस यू कैन आस्क आपको अपने घर का कोई इशू है या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मेरा ब्रीफिंग आपको शॉर्ट ब्रीफिंग कर दिया क्योंकि बात को तो बड़ा डिटेल से देखते इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन 1 or 2 hours ओनली ना इट टेक्स टाइम बहुत सारी अनटच्ड चीजें हैं जो हम अभी टच ही नहीं करते इतने आश्चर्य है कि आप तब सुनते रहोगे तो आपको लगेगा अरे ये भी होता है ऐसा भी होता है फिर आप अपने घर की चीजों को देखना शुरू करते हो ये यहाँ ऐसा है ये वहाँ ऐसा है तब आपको समझ आता है कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है ना बट वो हम बाद में कभी करेंगे आपका नंबर दे सकते हैं आप इनको कुछ रह रहा हूँ हाँ ये फिर देख पाएंगे 9-8 3-7-6 3-4 9-8-4